हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। और आज फिर से एक मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ, तो आई होप आपको समझ में आएगा और जल्दी ही आप जो है इसको लाइक भी करोगे, कमेंट शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और आपने खुद भी आंसर देना है। खुद आंसर देने से होगा ये कि आपका नॉलेज जो है आपको समझ में आएगा कि आप कितना कर पाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर ईच अदर। तो ये क्वेश्चन है, दोनों ऑप्शंस में से एक सही रहेगा। ठीक है, तो देखो, ईच अदर किसके लिए यूज होता है? ईच अदर का यूज हम करते हैं दो के लिए। ठीक है, टू पर्संस और थिंग्स, वेयर एज वन अनदर का हम यूज करते हैं मोर देन टू, दो से ज्यादा हो तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। तो ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। तो नीज कितने होते हैं, हमारे घुटने कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है, तो ईच अदर का यूज किसके लिए करते हैं? टू पर्सन के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ईच अदर रहेगा, वन अनदर नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना है ताकि आपको जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये है आपका, आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 बेड ईच अदर वन अनदर गुड बाय। तो वैसे ही है, आप खुद भी आंसर करने की कोशिश करिए। तो आफ्टर द फेयरवेल मतलब फेयरवेल के बाद जो 12th के स्टूडेंट्स थे उन्होंने आपस में गुड बाय कहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ईच अदर या फिर वन अनदर? कमेंट में करिए सभी। तो यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, आप खुद भी आंसर करो, रिप्लाई करो। तो यहाँ पे वन अनदर का यूज होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि वन अनदर दो से ज्यादा अगर जहाँ पे यूज होता है वहां पे हम लोग वन अनदर का यूज करते हैं, और अगर दो के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं तो दो के लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही आइडेंटिफाइड अ गर्ल हुम वी फाइंड टू बी द मेन कल्प्रिट। अब देखो, ये प्रोनाउन का मॉक टेस्ट है, और जैसा कि आपको पता है कि प्रोनाउन में हु और जो हुम रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ही आइडेंटिफाइड अ गर्ल, अब बताओ मुझे कि हु आएगा या हुम आएगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हु जो है वो हमेशा एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। ओके, एज ए सब्जेक्ट इसको हम यूज करते हैं, वेर एज जो हमारा होम है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं इसको हमेशा हमेशा, यही आपका मतलब रूल रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आइडेंटिफाइड अ गर्ल, हु आएगा या फिर हुम आएगा? तो यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपने एक सेंटेंस में पेयरिंग करनी है। जैसे ही है तो ही क्या है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, पेयरिंग करना बता रही हूँ। देखो, छोटे छोटे सेंटेंसेस में तो हु और हुम का पता चल जाता है, लेकिन जो बड़े लेंथी लेंथी सेंटेंसेस होते हैं उसमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये पेयरिंग करके आपको समझ में आ जाएगा। ही सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाइड क्या है, वर्ब है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वी आपका सब्जेक्ट है और फाउंड क्या है, वर्ब है। तो मैं अपनी क्लासेस में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि जहाँ पे भी सब्जेक्ट को वर्ब की नीड रह वर्ब को सब्जेक्ट की नीड रहती है, अकेला वर्ब जो है वो सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग पूरा पूरा बन रहा है, सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट को वर्ब मिल गया है। तो मतलब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट की नीड रहेगी जो कि हुम है। अगले सेंटेंसेस में आप देखोगे हु का पेयर हम लोग कैसे करते हैं, तो जैसे ही हु का पेयर करेंगे हम, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, फोर्थ वाला। ये है आपका सेंटेंस है, ही हैज थ्री सन्स बट नीदर नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। ये नीदर और ईदर वाला सेंटेंस आ गया हमारे पास में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। ओके, जैसे ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नन, ये सारे ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स होते हैं और इनमें से आपको मतलब 100% क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम्स में। तो पहले ये जो है यही बताती हूँ। देखो, नीदर का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? दो में से कोई भी नहीं, दो पर्सन या दो थिंग्स हैं उनमें से कोई भी नहीं, ना ये ना ये, ठीक है? ओनली टू, टू के लिए ही नीदर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो थ्री है, ठीक है? अब ऐसा नहीं करना है कि इसको इसको बदल के हम लोग टू कर देंगे, नहीं, ठीक है? इसको इसके साथ हम छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें नीदर या फिर नन में से ऑप्शन एक चूज करना है। ओके, तो मैंने कहा आपको कि नीदर दो के लिए किया जाता है, मतलब दो में से कोई भी नहीं, ठीक है? तो अगर दो से ज्यादा हो तो हम किसका यूज करते हैं? नन का। ओके, हाँ, अगर ये सेंटेंस जो है वो सही कैसे रहेगा? देखो, ये सेंटेंस सही इस तरह से है, ही हैज टू सन्स बट नीदर, तब नीदर आता, नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, ठीक है? सब सही है, देम के साथ ही लगता है और इस तरह से। लेकिन यहाँ नन आएगा बिकॉज यहाँ दो से ज्यादा है, थ्री सन्स हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे नन का लिखा है। और एक बात और, ईदर वाला सेंटेंस नहीं आया है यहाँ पे, तो ईदर वाला सेंटेंस भी होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईदर वाला सेंटेंस बताऊंगी, ठीक है? तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज देयर वर्क। ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एवरी। अगेन, एवरी जो है, एवरी, ईच, जैसे मैंने आपको बताया कि वो हमेशा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एवरी स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू हिज आएगा, ठीक है? ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा, ये तो इजी है सेंटेंस आपका। नेक्स्ट देखते हैं। एनी पर्सन कैन डू वर्क। देखिए यहाँ पे, एनी पर्सन कैन डू द वर्क इफ ही डे ट्राइज। अब देखो यहाँ पे एनी है, अगेन सिंगुलर में है। एनी पर्सन कैन डू द वर्क इफ दे, अब देखो एनी पर्सन है, सिंगुलर में जाएगा, ही आएगा, ही के साथ, ये दे नहीं आएगा, ट्राई भी नहीं आएगा, ही के साथ ट्राइज आएगा, वर्क के फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विल विजिट माई, आई विल विजिट माई पेरेंट्स हु होम लिव्स इन दिल्ली। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता रही थी आपको पिछले सेंटेंस में, जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के साथ पेयरिंग कैसे करना है। यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग पेयरिंग करेंगे, फिर आई क्या है? सब्जेक्ट, विल क्या है? वर्ब, ठीक है? अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, लिव्स क्या है? वर्ब, ठीक है? सॉरी, लिव्स क्या है? वर्ब है। तो अब हमें वर्ब के, मैंने क्या कहा था, अकेला वर्ब सेंटेंस में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए हमें किसकी नीड पड़ेगी? सब्जेक्ट की नीड पड़ेगी। तो सब्जेक्ट क्या क्या होता है? हुम क्या है? हुम सब्जेक्ट, ओ सॉरी, हु क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे हु का यूज करेंगे, ठीक है? पिछले सेंटेंस में मैंने क्या बताया था आपको कि सब्जेक्ट वर्ब जो है वो बिल्कुल पेयरिंग कर रहा था, ठीक है? तो वहां पे हमने हुम का, ऑब्जेक्ट की नीड थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है और यहाँ पे जो है वो हमें सब्जेक्ट की नीड है। एक और सेंटेंस आ गया ऐसा ही, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीवन ही मीट्स। यहाँ पे बनाओ, अच्छा पेयर बनाओ, आप बनाओ, हु आएगा या हुम आएगा?
खुद भी बनाओ। ही क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। ठीक है, अब और देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, विल क्या है? वर्ब। अब किसकी नीड चाहिए, किसकी नीड रहेगी हमें? सब्जेक्ट की। और सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? हु। ठीक है, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु विल हेल्प एवरीवन ही नीड्स। इस तरह से पेयरिंग करके आपको जल्दी पता समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो हु और होम जो है वो इजी रहते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता है इनको फाइंड आउट करना, बट फिर भी लेंथी सेंटेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है स्टूडेंट्स को, इसलिए जो है अगर रूल्स के साथ करें तो सही रहता है। अगला सेंटेंस देखो, ही इज एज फास्ट एज मी या फिर आई। अब देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ से भी आपको काफी क्वेश्चन, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही इज एज फास्ट एज मी आएगा या आई आएगा? पहले खुद सोचो जरा। तो यहाँ पे जो है वो आई आएगा, मी नहीं आएगा, आई आएगा। क्यों? क्योंकि तो जब भी दो प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव केस का यूज होता है वहां पे, कब? जब दो प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम दोनों ही तरफ जो है वो सब्जेक्टिव केस लगेगा। ठीक है, ही इज एज फास्ट एज आई। सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव केस होता है। ठीक है, इस तरह से ये केसेस होते हैं और आगे आगे मैं अपनी वीडियोस लेकर आती जाऊंगी तो वैसे ही आपको बताती जाऊंगी केसेस के बारे में भी। ठीक है, तो काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट के थ्रू जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेम वैसा ही है। आई रन फास्टर देन हिम या फिर ही। आई क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट आएगा, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट करते हैं, नो। ठीक है, तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो ही रहेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, नीदर वाला। यहाँ इधर वाला क्वेश्चन नहीं है और इधर वाला क्वेश्चन जो है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। ठीक है, जो भी क्वेश्चन यहाँ से छूट गए हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में। नीदर नन ऑफ द फाइव अक्यूज्ड वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट। मतलब पांचों में से कोई भी अक्यूज जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने बताया था नीदर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? टू के लिए, मतलब दो में से कोई भी नहीं। और अगर दो से ज्यादा हो, पिछला वाला सेंटेंस हमने थ्री किया था और यहाँ पे फाइव है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा नन होगा। ठीक है, अब तो समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ये फिर से होम और हो वाला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, और तब तक आप करो इसको। मैरी क्यूरी वॉज ए साइंटिस्ट हु वन टू नोबेल प्राइजेस। अब मैरी क्यूरी क्या है यहाँ पे? मैरी क्यूरी सब्जेक्ट है, इस तरह से भी कर सकते हो आप लोग, और इस तरह से भी कर सकते हो कि मैरी क्यूरी वॉज ए साइंटिस्ट, सेम पर्सन के बारे में बात हो रही है। मैरी क्यूरी वही साइंटिस्ट है जिसको कि दो नोबेल प्राइजेस मिले हैं, तो मैरी क्यूरी। ओके, ये क्या आ गया? वर्ब आ गया। अब यहाँ सब्जेक्ट तो है नहीं, कहीं है नहीं, मतलब सब्जेक्ट वर्ब पूरा पूरा नहीं बैठ रहा है, हमें हु की नीड है यहाँ पे, सब्जेक्ट की नीड। ओके, नेक्स्ट देखो। एवरी मैन, ये इंटरेस्टिंग है, एवरी मैन एंड वुमेन विशेस टू डू द वर्क ऑफ हिज हार्ट देयर चॉइस। ये देखो, एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और एवरी मैन एंड वुमेन, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे एवरी मैन एवरी वुमेन अगर होता तब भी वैसे ही होता, एवरी मैन एवरी लगा है, मतलब ये जो है वो अलग अलग बात की जा रही है, मैन और वुमेन के बारे में अलग अलग बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो है वो जो आपका ये एवरी है, अगर यहाँ पे सीधा एवरी नहीं होता, मैन और वुमेन होता ना, तो प्लूरल होता, तब हम प्लूरल फॉर्म में इसको यूज करते,
बट एवरी लगा है तो एवरी तो सिंगुलर होता है, इसलिए हिज और हर लगेगा, बाकी ठीक है, विशेस ठीक है, सिंगुलर में है। टू डू द वर्क ऑफ, अब इसमें से हिज हर देयर, इसमें से क्या आएगा? अब मैन है तो हम हिज भी लगा सकते हैं, वुमेन है हम हर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखो करते क्या है हम लोग इस केस में, वैसे तो अगर मतलब पोजेसिव प्रोनाउन समझ में नहीं आता है तो मेल डोमिनेट जो प्रोनाउन या फिर नाउन होता है उसको लगा देते हैं, मतलब होता तो ऐसा है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। और यहाँ पे जो है वर्ब के साथ वाला कौन सा है? वुमेन, तो हम लोग हर लगाते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एवरी मैन एंड मतलब वर्ब के नियर कौन सा है वो देखते हैं, तो उसके साथ में हम लोग हर लगा देंगे। ओके, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक तो आप कर सकते हो, ठीक है, कमेंट के लिए भी नहीं बोल रही हूँ। चलिए नेक्स्ट है, दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस विच दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। अब ये विच वाला क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे देखो तो होता क्या है, विच और दैट भी क्या है आपके, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और इसमें इसमें क्या है होता है, इसमें देखो तो इसमें बेस्ट है, और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो जहां पे भी सुपरलेटिव डिग्री होती है वहां पे हम हमेशा हमेशा दैट का यूज करते हैं, विच का यूज वहां पे कभी भी नहीं किया जाता है। दिस इज द बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस दैट आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम यू। तो हमेशा ये याद रखना है कि हमारे पास में 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें जो है वो सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे मान लो कि शी इज ए गुड गर्ल, एक के बारे में बात होती है। और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें दो की तुलना की जाती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके सभी की तुलना की जाती है, मतलब सभी में से कोई एक, ठीक है, किसी एक के बारे में बात की जाती है। तो आपने ये याद रखना है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आपको देखेगी हमेशा वहां पे दैट का यूज किया। ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हम रिलेटिव प्रोनाउन कर रहे हैं बीच बीच में। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच हु ऑफ टू स्टूडेंट परफॉर्म्ड वेल। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, हो आ सकता है, इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हु ऑफ द टू स्टूडेंट परफॉर्म वेल, ये सुनने में ही गलत लग रहा है और वैसे भी गलत, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, विच और हु में हमें एक चूज करना है, तो विच का यूज जो है वो हमेशा चॉइस सिलेक्शन के लिए किया जाता है, सिलेक्शन के लिए। और विच का यूज जो है पर्सन्स और थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जबकि हु जो है वो ओनली पर्सन्स के लिए ही यूज किया जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड विच, हु नहीं आएगा यहाँ पे, विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स परफॉर्म वेल। जहां पे भी सिलेक्शन की बात हो, चॉइस में थे, मतलब कोई हमें चॉइस करनी है, सिलेक्ट करना है, तो तब हम विच का यूज करते हैं, ठीक है। और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, और अगर सेशन अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्दी ऐसे ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अपनी अगली वीडियो के साथ में जल्दी ही आऊंगी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।